हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टिस्ट क्रैकर्स। आज हम क्राफ्ट बनाने वाले ये पुरानी वेडिंग कार्ड से। मेरे साथ एक डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप्स ऑफ वेडिंग कार्ड है, इससे हमें क्राफ्ट बनाते हैं। आपके पास इसी तरह वेडिंग कार्ड्स नहीं है तो आप वेस्ट सारी बॉक्सेस या कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो, अब हम वीडियो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, और अब इनसे मैं एक वेडिंग कार्ड ले लूँगी। सो, इस पर मैं राजस्थानी क्राफ्ट जैसे लुक बन रही हूँ। इसके लिए हमें वेडिंग कार्ड के एडजस्ट को गम अप्लाई कर स्टिक करनी चाहिए। सारी एडजस्ट को गम अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह गम अप्लाई कर वो वेडिंग कार्ड क्लोज करनी चाहिए। मैं वेडिंग कार्ड के बैक से डेकोरेट करना चाहती हूँ, इसलिए हमें वेडिंग कार्ड को उल्टा करके इसके सूखने के बाद मैंने एक ओल्ड सारी बॉक्स लेकर इसके बीच में डिज़ाइन है ना, सो डिज़ाइन को काट कर हमें क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। सारी बॉक्स की अगला पार्ट भी इस क्राफ्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक बॉटल कैप ले लूंगी और इसी तरह शेप बन सकते हैं। ये शेप ड्रॉने में और काट करने में बहुत आसानी लगते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। इसी तरह शेप से हम चारों ओर डेकोरेट करते हैं और लास्ट में डिटेलिंग करने के लिए हमें एक आसानी डिजाइन बन रही हूँ, उसके लिए पेंट यूज कर रही हूँ। ये क्राफ्ट देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और देखने में इसे हमें चुंबक क्राफ्ट भी लगते हैं। इसी तरह सिंपल सा सिंपल टेक्निक्स यूज करके हमें वॉल मैट्स इजी से क्रिएट कर सकते हैं। वेडिंग कार्ड को दूसरा ओर में डबल टेप स्टिक करके मैंने उसको वॉल पर स्टिक कर दिया। ये है उसका फाइनल लुक, खूबसूरत है ना। दूसरी क्राफ्ट के लिए हमें इसी तरह ओल्ड वेडिंग कार्ड्स भी लेना चाहिए। शेप पे ध्यान रखे, मैंने रेक्टेंगल शेप का कार्ड्स यूज करती हूँ और सारी एडजस्ट को गम से स्टिक करती हूँ। इस क्राफ्ट को आसानी से बनाने के लिए हमें इस टू कार्ड्स के अलावा एक और कार्ड भी यूज सकते हैं। कार्ड को उल्टा कर हमें जो लाइन ड्रॉ कर और उसको काट करके हमें बॉर्डर पे यूज कर सकते हैं। और उसका बीच में किसी एक राउंड चीजों को यूज कर हमें एक राउंड शेप बन सकते हैं और थोड़ा सा सिंपल फ्लावर ड्रा सकते हैं। फ्लावर ड्रा करने के बाद मैं एक रेड कलर लेकर उसको पेंट किया। करने के बाद एम्प्टी स्पेसेस में एक सिंपल सा कोट लिखना चाहती हूँ। आप हमारी फेवरेट कोट पेंट कर सकते हैं। ये है हमारे क्राफ्ट का फाइनल लुक है। उसका दूसरा साइड हमें डबल टेप यूज करके वॉल पे स्टिक करते हैं। ये है उसका फाइनल लुक। मैंने उसको वॉल की कॉर्नर पे रख दिया। इस क्राफ्ट एक आसानी, खूबसूरत और जीरो कॉस्ट भी है। तीसरा क्राफ्ट बनने के लिए हमें एक ब्लू कलर एनवेलप ले सकते हैं और उसका दूसरा साइड मैंने सिंपल सा लीफ शेप का ड्रॉ करने की डिसाइड किया। इसी तरफ लीफ शेप ड्रॉ करने के और काट करने के सिंपल है। सारी लीव्स को काट कर दिया। देखो कैसे लगते हैं, सिंपल है ना और खूबसूरत भी, आसानी से कट सकते हैं। उसके अलावा हमें एक राउंड शेप भी चाहिए, इसलिए मैंने एक गम बॉटल की कैप यूज कर रही हूँ। उस
राउंड शेप को कार्ड में बीच में नहीं थोड़ा सा नीचे उसको स्टिक करनी चाहिए और लीव्स भी वन बाय वन स्टिक करनी चाहिए। इसी तरह एक पैटर्न में हम सारे लीव्स को स्टिक करना पड़ेगा। सारे लीव्स को स्टिक करने के बाद एडजस्ट के लिए मैं एक ओल्ड सारी बॉक्स ले रही हूँ। इसकी मदद से हमें सिंपल सा बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं और फोर्थ बॉर्डर से मैं एक पतला सारी बॉक्स की पीस यूज करके हमें एक सिंपल डिजाइन बन कर सकते हैं। और इस क्राफ्ट में हमें कोई ना कोई पेंट या कलर पेपर यूज नहीं करेगा और ये क्राफ्ट बिल्कुल जीरो कॉस्ट और खूबसूरत लगती है, बनने में भी आसान है। इसी तरह हमारे घर में जो बेकारी चीज़ों को यूज करके हमें होम डेकोरेशन जीरो कॉस्ट पे कर सकते हैं। उसका दूसरा सेट डबल टेप स्टिक करके हमें आसानी से वॉल पर स्टिक करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज का वीडियो में जीरो कॉस्ट से होम डेकोरेशन कैसे बन सकते हो। सो हमारे वीडियो के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन एक्टिवेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।